हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विज्ञानी दुनिया। आज का हमारा यूट्यूब का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 10th और 12th। 10th के बाद और 12th के बाद हमें करना क्या चाहिए, आज मैं पूरा उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ओके, जैसे ही अपना 10th का रिजल्ट आता है, हम एक अपने को एक कैटेगरी में खड़े कर चुके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कि भैया मेरा इतना परसेंट आया मैं तो यही लूंगा, भैया मेरा इतना कम परसेंट आया मैं तो यही लूंगा। ज्यादातर होता क्या है कि हम अपने आप को देखते हैं कि अगर मेरा 90% या फिर उसके आसपास रहता है तो हम साइंस को प्रेफर करते हैं, अगर मेरा उससे थोड़ा कम रहता है तो हम 10th के बाद कॉमर्स को प्रेफर करते हैं, और अगर सबसे कम आया तो हम उसको आर्ट्स ले लेते हैं और उसको हम लोग सबसे बेकार समझते हैं। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, आप देखिएगा, लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। क्या अपने आप को एक कैटेगरी में खड़ा कर देना किसी मार्क्स के बेसिस पे, क्या वो सही है? मुझे लगता है नहीं, वो चीज सही नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है दूसरों को देखकर स्ट्रीम चूज करना। मैं साइंस ले रहा हूँ भैया, मैं कॉमर्स ले रहा हूँ भैया, मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, किसी अपने फ्रेंड या फिर अपने रिलेटिव को पूछ कर कि मैं ये ले रहा हूँ, वो भी बिल्कुल गलत है। तो आप कहोगे तो फिर मैं चूज कैसे करूं कि मैं कौन सा स्ट्रीम लू आगे? आप अपने आप को इंटरेस्ट के बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट है क्या, आप किसी चीज में इंटरेस्ट जता रहे हो, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट आता है आप वही चीज करो। दूसरा है स्किल्स, आपने 10th तक किस चीज पे आपने फोकस किया, आगे भी अगर आप उसी चीज पे आप फोकस करते हो तो आप आगे निकल जाओगे। ओके, तीसरा है एबिलिटी, अपने अंदर की आप एबिलिटी को पहचानो, अपने अंदर का क्षमता को पहचानो कि आप कर क्या सकते हो, आपको करना क्या है। चौथा है हॉबी, आपको क्या, आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, आपको ह्यूमन के बारे में जानना पसंद है, आपको मैथमेटिक्स बनाना पसंद है, आपको राजनीति करना पसंद है, हॉबी इज मेन फैक्टर। आप इस पे फोकस करो कि मैं, मुझे किस काम करने में अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग आता है। आप इन चारों के बेसिस पे आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप आर्ट्स की बात करते हैं, मैं सबसे पहले आर्ट्स पे ही आता हूं। पहले दो लाइन लिखा है, आप यहाँ पे देख लो, हर फील्ड में स्कोप होता है। आप कोई भी मेरे को फील्ड का नाम बताना, मैं उसका आपको स्कोप के बारे में पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा। हर फील्ड में स्कोप है। जैसे कि एक डायलॉग लिखा हुआ है, कोई धंधा खराब नहीं होता, किसी मूवी का डायलॉग था, कोई भी धंधा खराब नहीं होता। आते हैं हम आर्ट्स पे, आर्ट्स के बारे में जितना भी कुछ हो सकता है मैं बताता हूँ। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, 10th के बाद अगर आप आर्ट्स लेते हो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, और भी वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं। आप जैसे 10th के बाद आप आईए में एडमिशन करवाओगे, वो 2 ईयर का कोर्स होता है, आप 12th पास कर जाते हो, फिर करते हो आप बीए, 3 ईयर का कोर्स होता है, फिर एमए होता है, बीबीए होता है, इसी तरह से आगे इसका प्रोसेस हायर क्लास में बढ़ते जाता है। आप कहते हो आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है इसीलिए मैं आर्ट्स नहीं लेता हूँ। पहला आप देखो होटल मैनेजमेंट, आजकल का ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, होटल मैनेजमेंट हर लोग करते हैं और आगे भी करते हुए रहेंगे। दूसरा है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है, इसमें एंकर का रोल। आप पहले की मीडिया क्या होता, आज हम यहाँ से 5 साल 6 साल पहले चले जाएं तो हम कोई भी न्यूज चैनल ऐसे ही देख लेते थे। आज का ट्रेंड क्या हो गया, आपने रजत शर्मा को पहचानते हो गए, आप अर्णब गोस्वामी को पहचानते होंगे, सुधीर चौधरी को पहचानते होंगे, तो हम लोग अब पर्टिकुलर एंकर के वजह से ही उस चैनल को देखते हैं। तो आर्ट से आप ये चीज भी आप कर सकते हो। टीचिंग तो आप कर ही सकते हो इस लाइन में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। फिर करियर इन लॉ, लॉ आप लॉयर बन जाते हो,
कर आप LLB करके, उसमें होता क्या है कि आजकल जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कोर्ट में आने जाने में उनका बहुत सारा टाइम लॉस होता है, तो इसीलिए वो वहां जा नहीं पाते, इसीलिए वो अपना पर्सनल लॉयर रखते हैं जो कि वहां आते जाते हैं। तो इसका आज बहुत बड़ा डिमांड है, LLB करके आप लॉयर बन जाओ। ओके, अब फिर देखो कॉमर्स, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, और भी एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं। हम लोग टेंथ के बाद करते क्या है, आईकॉम, फिर बीकॉम, फिर एमकॉम, ठीक, और आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह इसमें आप स्कोप की बात करो, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट आप कर सकते हो, MA जिसे कहते हैं। एक होता है चार्टर्ड ऑफ बिजनेस अकाउंटेंट, इसे हम, एक होता है कंपनी सेक्रेटरी जिसे हम CS बोलते हैं, मोस्ट पॉपुलर। मैं जितना भी बात आपको बता रहा हूं जो पॉपुलर है मैं उसी चीज को लेकर बना रहा हूं। एक होता है बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सब चार, इन सब चीजों पे आप देख सकते हो। आप अगर आप फिर साइंस की आप बातें करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, फिजिक्स होता है उसमें, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मैथ्स होते हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और एक दो एडिशनल इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप टेंथ पास करते हो ISC में आपका एडमिशन होता है 2 ईयर कोर्स, फिर BSc होता है 3 ईयर कोर्स, फिर उसके बाद हायर क्लास MSc होता है। फिर हम उसके अंदर भी कैटेगरी बांटा हुआ है, एक PCM होता है और एक PCB होता है। PCM में होगा क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के स्टूडेंट होते हैं, और PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप देख रहे होंगे P और C यानी फिजिक्स और जो केमिस्ट्री होता है वो दोनों में सेम होता है, बस फर्क इतना होता है ये मैथ्स अलग हो जाते हैं और यहाँ पे ये बायोलॉजी। अगर आप PCM का भी स्कोप देखो जो पॉपुलर है मैं उसी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। इंजीनियर का भी बहुत सारा टाइप, IITN, फिर जूनियर, IITN में मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, और फिर बहुत सारे इंजीनियर्स इसमें होते हैं। आप PCM लेकर NDA कर सकते हो, आप डिफेंस किसी भी लाइन में आप जा सकते हो। एक होता है कमर्शियल पायलट, और इसके बारे में अगर आपको और देखना है तो और मैं इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूँ, क्योंकि इसका भी एक लिस्ट अलग से बनाया जा सकता है। आप इधर मूव करो PCB की तरफ, PCB से आप लेते हो बायोलॉजी लेते हो, आप आगे डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हो, नर्स की पढ़ाई कर सकते हो, फार्मेसी की आप पढ़ाई कर सकते हो, बी फार्मा, लैब टेक्नीशियन की आप पढ़ाई कर सकते हो, डी फार्मा की आप पढ़ाई कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी की आप पढ़ाई कर सकते हो, आप टीचिंग भी कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लेकर, और बहुत सारे होते हैं, मगर मैंने उसी की बात की जो कि मुझे पॉपुलर लगा और लोग इन्हीं के तरफ मूव कर रहे हैं। आप यहाँ आ जाओ, इन सबसे हटकर एक होता है, आप आजकल के जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रहा है, आप गेमिंग से भी आपका बहुत बड़ा स्कोप है, आप वेब डेवलपर बनके भी आप बहुत बड़ा स्कोप इससे आप कर सकते हो, और आजकल तो आप जान ही रहे हो यूट्यूबर का एक अलग ही स्कोप है, हर चीज का एक अलग अलग स्कोप है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे फिक्स होता क्या है, गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक गोल सेट नहीं करा है, आप गोल सेट कर लो, आप गोल जैसे ही सेट करोगे, अगर आपका गोल 8th-9th में ही आप सेट कर लेते हो तो आपको पता होता है कि मुझे आगे करना क्या है, आगे 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं आगे बनूंगा क्या। अगर मान लो आपको आज बनना है डॉक्टर,
तो आपको 10th में इतना तो पता रहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंस लेना पड़ेगा, साइंस के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए मुझे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, और आप मेहनत करोगे तो उतने मार्क्स आएंगे, फिर आप साइंस लोगे, फिर एक नीट का एग्जाम होता है, या फिर जो अपना स्टेट मेडिकल आप उस चीज का एग्जाम दोगे तभी तो आप डॉक्टर बनोगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए, आप इंजीनियरिंग आपको करना है, आपको पता है इसके लिए मैथ्स स्ट्रांग होने चाहिए, आप 8th 9th 10th से ही आप साइंस और मैथ्स पे आप ज्यादा फोकस करने लगोगे तो आप आगे बढ़ोगे, साइंस लोगे, फिर उसका जेई मेन का एग्जाम होता है, आप जेई मेन का एग्जाम दोगे, और बहुत सारे जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। मैंने ये सब बस एग्जाम्पल के लिए बताया, और आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि आप अपना स्ट्रीम आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट के बेसिस पे, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप स्किल्स के बेसिस पे कि आपने 10th तक क्या किया क्या नहीं किया, उस बेसिस पे आप आगे बढ़ो, मैं तो यही कहूंगा। फिर एक होता है एबिलिटी, आपके अंदर कितना क्षमता है, आप किस चीज को कितना रिकॉल कर सकते हो, या 10th तक आपने कितना किया। लास्ट में हॉबी होता है, हॉबी मतलब मुझे जो पसंद है मैं वही आगे करूंगा, तभी तो उसमें मुझे मन लगेगा और मैं उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाता है, जिस चीज में मेरा मन लगे उस चीज में मेरा तो एफिशिएंसी बढ़ ही जाएगा और उस काम को मैं आगे तक बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। गाइज, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो कि मैं स्टूडेंट के बीच में जो बातें होंगी मैं उसी चीज के को आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।